जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन हुआ। इसके उपरांत यूपीसीसी महासचिव एवं पूर्व विधायक यूसुफ अली तुर्क मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम मिर्जा अशफाक सकलैनी जिलाध्यक्ष, चौधरी असलम मियां महानगर अध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रवीण सिंह एरन, पूर्व महापौर सुप्रिया एरन, कामिन कश्मीरी, कमलेश ठाकुर, किरण, जेसी पालीवाल, सुषमा अरोरा, चारू मेहरोत्रा, अलाउद्दीन आदि मौजूद रहे। हम सब लोग मिलकर गांव-गांव में काम दफ्तर नहीं करेंगे, फिर दोबारा ये लोग जुड़कर आएंगे। हमें इस तरह अब गांव-गांव मोहल्ले में पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जो गलती 2019 किया जाता है सिर्फ उनको केवल और केवल कांग्रेस पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी को एक डर है कि हमें अगर टक्कर दे सकती है तो केवल एक कांग्रेस पार्टी है। गांव से गांव जाकर गांव में जाकर काम जब तक नहीं करेंगे तब तक लौटने की कोई संभावना नहीं है। भाषण देने से इकट्ठे होने से ये हम लोग तो कांग्रेस ही नहीं। सवाल ये है कि जो लोग हमसे दूर चले गए हैं उनको हमें अपने पास लेकर आना है। बातें कहेंगे ही आपसे सब दूंगा। पालीवाल साहब ने अभी एक आर्टिकल अमर उजाला में दिया था, वो मैंने प्रतिदिन पढ़ा और उन्होंने कहा कि 1947 में जब देश बटा था तो इतनी नफरत पैदा नहीं हुई थी जितनी नफरत इस सरकार ने इस समय पैदा कर दी। ये बात मुझे उनके ये आंकड़ा इतना अच्छा लगा पालीवाल साहब का कि उन्होंने जो बात कही कि उस वक्त देश बटा था, लोग इधर उधर गए थे लेकिन एक दूसरे के तय मोहब्बत नहीं खत्म हुई थी, एक दूसरे का ख्याल भी रखने वाले लोग मौजूद थे। लेकिन आज ऐसी नापाक हुकूमत इस मुल्क में बनी है कि इस हुकूमत की सफों में कोई ऐसा आदमी नहीं निकल के नहीं आ रहा है जो ये निशानदेही कहे कि ये बात तुम्हारी गलत है, ये बात तुम गलत कर रहे हो। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त हमारे सामने। अनुराग ठाकुर ने जो बात जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम है ये? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई अशफाक सकलैनी जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कम उम्र में एक बार फिर नौजवान नेता को जो है कार्यकर्ता को प्रियंका जी ने, आदरणीय प्रियंका जी ने मौका दिया है और उन्होंने ये कार्यालय की जिले के लिए और महानगर के लिए जिस प्रकार से कार्यालय की बहुत ज़रूरत एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी आज उस कमी को पूरा किया गया है। और यहाँ पर जितना विशाल बड़े नेताओं का, मैं कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, बड़े नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सब लोग सहयोग दिया है, ये दिखाता है कि बरेली की कांग्रेस मंडल में एक विशाल के रूप में काम करेगी और सबसे पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेगी। धन्यवाद। बैठक का उद्देश्य क्या है आज? आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय का उद्घाटन आज पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज किया है और ये कार्यालय हम समस्त कांग्रेस जनों के लिए खोल रहे हैं और समस्त कांग्रेस जन का ये कार्यालय है। दूर दराज से हमारे पूरे जनपद से, ब्लॉकों से, गाँव से या तहसीलों से लोग आते थे तो उन्हें संगठन से विस्तार को लेकर या समस्याओं को लेकर कोई ऑफिस हमारे यहाँ नहीं था, लंबे समय से वंचित थे लोग। इसीलिए मैंने जब दौरा किया जनपद में जाकर तो महसूस किया कि एक ऑफिस की ज़रूरत है, तो मैंने ये कार्यालय कांग्रेस जनों के लिए समर्पित करने का काम किया है। सभी कांग्रेस जनों की समस्याओं को लेकर, जो भी संगठन को विस्तार को लेकर मैं यहाँ समय दूंगा, सारे लोग बैठेंगे और उनकी समस्याओं को विस्तार करने के लिए हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम सब लोग इस कार्यालय को विधिवत रूप से आगे ले जाते हुए और इसको जो समस्याएं होंगी इसको निस्तार करने के लिए समर्पित कर रहा हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के नाम। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।